अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एनटीए स्ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो एक्सरसाइज नंबर 8.3 है, क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स, इसके क्वेश्चन 1 और 2 हम पहले ही पार्ट में कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। द लेंथ ऑफ 7 सिल्वर चेन्स एंड 3 गोल्डन चेन इज़ 27 मीटर। कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन। द लेंथ ऑफ 7 सिल्वर चेन जो है एंड 3 गोल्डन चेन जो है वो 27 मीटर है। कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशन आपने कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, क्रिएट करना है इन 2 वेरिएबल में फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लेट करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ सिल्वर चेन, जो सिल्वर चेन है हमारे पास वो इक्वल टू एक्स है। यहाँ पर सिल्वर चेन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और जबकि दूसरे द लेंथ ऑफ लेंथ हमारे पास गोल्डन चेन वो आपके पास वाई होगा। अगर ये आपके पास y के इक्वल हो तो ये आपके पास इक्वल टू हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन क्वेश्चंस के मुताबिक 7 सिल्वर चेन यानी 7x प्लस और आपके पास 3 गोल्डन चेन एंड टू 3y इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है 27। और यही हमारे पास इसका क्या है, सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जब आपने कर लिया तो ये आपके पास 7x प्लस 3y इक्वल टू 27 ये बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और उसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरह शॉर्ट से टाइम में। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ 8 बकेट्स एंड 9 टब इज 121 लीटर्स ऑल टुगेदर। कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन। द कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है आप 8 बकेट्स की एंड 9 टब्स की, वो हमारे पास 121 लीटर्स है, इतनी लीटर इसमें आ सकता है ऑल टुगेदर दोनों में। कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन, आपने एक लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है इन 2 वेरिएबल में फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, लेट द कैपेसिटी ऑफ ये जो हमारे पास बकेट्स हैं इसकी, अब बकेट हम कर लेते हैं इक्वल टू एक्स, और इसी तरह जो हमारे पास टब्स हैं कैपेसिटी ऑफ टब्स जो है वो इक्वल टू वाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑल टुगेदर 8 बकेट्स यानी 8x प्लस 9 टब्स, 9 और वो आपके पास वाई है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा हमारे पास। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि 8x इसकी पावर भी 1 है और यहाँ पर y की पावर भी जो है ना वो हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द एज ऑफ हसन एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ निदा इज 30 ईयर्स। कंस्ट्रक्ट ए लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन। द एज ऑफ, जो उम्र है हसन की एडेड टू थ्राइस, यानी इसमें ऐड करें थ्राइस द एज ऑफ निदा, वो कितना आ रहा है, 30 ईयर्स, 30 साल। कंस्ट्रक्ट ए लीनियर इक्वेशन आपने करना है 2 वेरिएबल में। तो चलो जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास हसन एज जो है, हसन्स एज वो हमारे पास इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एंड
जो हमारे पास निदा एज हैं, निदाज एज, वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा वाई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस। जिस तरह यानी क्वेश्चंस में जो कंडीशन है उसके मुताबिक हसन एज वो हमारे पास एक्स है, एक्स प्लस थ्राइस द एज ऑफ निदा वो हमारे पास उसका जो एज है वो वाई है, प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। एक्स पावर जो डिग्री है वो वन है, यहाँ पर भी जो पावर है एक्सपोनेंट वो वन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइस ऑफ 10 बुक्स एंड 3 नोट बुक्स इज Rs 2950, कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन के लिए हमने इसको सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। लेट हम कर लेते हैं प्राइस ऑफ बुक, प्राइस ऑफ बुक वो हमारे पास है इक्वल टू, अगर हम ले लेते हैं x और प्राइस ऑफ ले लें प्राइस ऑफ नोटबुक वो इक्वल टू y ले लें। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या हो जाएगा, 10 बुक्स प्लस 3 नोटबुक्स, तो 10 बुक्स बुक्स हमारे पास x है, 10x प्लस 3 नोटबुक्स, 3 नोटबुक के लिए हम साथ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, वो कितना आएगा 2950। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली एक्सरसाइज 8.4 का आपको यूट्यूब पर बरवक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।